एक हॉलीवुड फिल्म के लिए इंडिया से यूएसए का चक्कर लगा रही हैं दीपिका। टॉयलेट एक प्रेम कथा के प्रमोशनल इवेंट पर अपने किस स्टेटमेंट से अक्षय ने किया सबको शॉक। अपने फ्लॉप करियर को बचाने के लिए कौन सा स्टार पहुंचा करण जौहर के पास। अर्जुन कपूर को नहीं पड़ता क्रिटिक्स की रेटिंग से कोई फर्क। कुछ दिनों पहले फिल्म जगह जासूस के प्रमोशनल इवेंट पर रणबीर ने कहा था कि उन्हें खुले में पी करने में आता है बहुत मजा, और जब अक्षय से उनकी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के प्रमोशनल इवेंट पर इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो रणबीर को भेजना चाहते हैं अपनी फिल्म की DVD। अक्षय कुमार पहुंचे फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के प्रमोशनल इवेंट पर अपनी फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ। अक्षय की ये फिल्म बनी है टॉयलेट के अनयूजुअल सब्जेक्ट पर। ऐसे में क्या कभी रियल लाइफ में अक्षय ने लोगों को दिया है साफ सफाई का मैसेज? किसी के क्लीन अप मार्शल बने हो सेट पर या कहीं किसी ने कचरा कर दिया, आपने किसी को? हाँ, मैंने एक बार, मुझे याद है बहुत पहले मैंने किसी को देखा था कचरा फेंकते हुए, तो वो मैंने ट्विटर पे डाला भी था कि उसने बोतल फेंक दी थी, तो बोतल उठा के उसकी गाड़ी में मैंने फिर वापस फेंक दी थी। सो और हालांकि मैं अभी समंदर किनारे रहता हूँ, 8-9 साल पहले ही मैं जब आया था इधर रहने के लिए, तब समंदर किनारे पे भी चले जाते थे ओपन डेफिकेशन करने। फिर मैं बाकायदा उधर गया, बाहर गया और उनको मैंने पकड़ा, तो पहले तो वो हैरान हो गए मुझे, मैंने उनका कंधा ही पकड़ लिया था और मैंने हैरान हो गए थे मुझे देख के कि अरे ये क्या, बोले बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले बस काम कर रहे हैं। बोले काम कर रहे हो क्या? बोले क्यों, वहाँ क्यों नहीं करते, वहाँ बना हुआ है। कहते वहाँ मज़ा नहीं आता, खुले में ज़्यादा मज़ा आता है, ये कमाल की चीज़ है। वेल, कुछ दिनों पहले जग्गा जासूस के प्रमोशनल इवेंट पर रणबीर ने कहा था कि उन्हें रास्ते पर पी करने में आता है बहुत मजा, और क्योंकि अक्षय की फिल्म खुले में शौच जैसे सीरियस इशू पर बनी है तो इस पर रणबीर से क्या कहना चाहेंगे अक्षय? सड़क पे सुसु, रास्ते में पी करने को बहुत मजा आ रहा है, ये उनसे ही पूछो, मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको मजा आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी इसमें कुछ बोल सकता हूँ। मैसेज देना चाहो, मैं उनको एक DVD भिजवा दूंगा इस फिल्म की, और क्या करूँगा। वैसे इस इवेंट पर अक्षय से बिहार के एक गांव के बारे में भी पूछा गया जहां अंधविश्वास है कि टॉयलेट बनाने से हो जाती है गांव में किसी की डेथ, इसीलिए सब करते हैं वहां खुले में शौच। एक गांव है जो गाजीपुर इलाके का है, जहां पर पिछले 33 साल से कोई भी शौचालय नहीं है। वहाँ की अंधविश्वास है कि अगर वो शौचालय बनाया जाए तो वहाँ पर किसी की मौत हो जाती है, तो वहाँ पर आप लोगों का क्या मैसेज होगा? गाजीपुर का गांव है बिहार का सर। कितने साल से नहीं है? 33 years। तो वहाँ 33 साल से कोई मरा नहीं? मरा है सर। अभी तो बनाया नहीं तो मरा ही नहीं होगा ना? नहीं सर, सब जब कोई भी बनाने जाता है तो वहाँ पे मौत हो जाती है। चाचा जी, तो अभी तक कोई मरा तो नहीं होगा? सर, चार जनों की मौत हो चुकी है, इस तरह का रिपोर्ट है। मतलब पॉटी करने से? हाँ सर, बहुत दिन से गए नहीं होंगे सर, मे बी वो मल्टी स्टोरी टॉयलेट्स बना रहे होंगे तो बहुत ज्यादा ऊंचे होंगे तो गिरने से। अक्षय ने यहाँ ये भी बताया कि ये फिल्म पहले कई एक्टर्स को ऑफर की गई थी लेकिन किसी ने भी सब्जेक्ट में नहीं दिखाया कोई इंटरेस्ट। जनाब, ये जो जिन्होंने ये फिल्म लिखी है ये वहीं से आया था, एंड आपको मैं एक बड़ी आश्चर्य वाली बात बताता हूँ, ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर करीबन 4.5 साल से घूम रहा था। कई हीरो के पास गई, कई लोगों के पास ये स्क्रिप्ट गई थी, तो लोगों ने इस फिल्म को नहीं उठाया था, तो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने ये फिल्म को बल्कि हाथ जोड़ के नीरज पांडे साहब से मांगी, मैंने कहा ये फिल्म मैंने करना चाहूँगा और ये मैंने फिल्म की। पहले इस फिल्म का नाम संडास एक प्रेम कथा थी, टू बी ऑनेस्ट इट वॉज लाइक दैट, एंड देन इट चेंज टू टॉयलेट एक प्रेम कथा। अक्षय आजकल ज्यादातर ऐसी ही फिल्म्स करते हैं जिनमें छुपा होता है एक सोशल मैसेज, और इसीलिए अक्षय की इमेज ऑडियंसेस के बीच हो गई है काफी पॉजिटिव। इंडस्ट्री में तो लोग मुझे एक्शन हीरो कहते थे,
एंड देन मैं बहुत सारी और चीज़ें करता था, तो फिर कॉमेडियन कहने लगे, फिर रोमांटिक कहने लगे, फिर मैं विलन के रोल में किए. फिर आई जस्ट डोंट वांट एन इमेज, आई जस्ट वांट टू कीप ऑन ट्राई माई सेल्फ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. एंड अब आप जैसे कह रहे हैं सोशल फिल्में कर रहा हूँ. अभी मैंने पिछले साल ही एक मेरी अच्छी सोशल फिल्म आई थी, हाउसफुल 3. So, बहुत सारी आती रहती हैं मेरी फिल्में. हालांकि यहाँ एक जर्नलिस्ट ने अक्षय से ये भी पूछ लिया कि क्या कभी वो करते हैं हार्डकोर बॉलीवुड लव स्टोरी मिस. अक्षय, डू यू मिस डूइंग लव स्टोरीज? दिस इज अ प्रेम कथा डार्लिंग, अब किससे कितने बड़े में लिखूं मैं? सॉरी, प्रॉपर स्विट्जरलैंड स्टोरी यू वांट? ओके. All right, ma'am. Sorry, that is not going to happen. This is hamari puri desi film hai, and this is toilet ek prem katha. I think ab ise Switzerland jaane ki zarurat nahi hai. Idhar hi sab kuch mil jata hai. वैसे इस इवेंट पर अक्षय ने ये भी बताया कि उन्हें इस फिल्म की कलेक्शन की जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनका बस यही मकसद है कि लोग ये फिल्म देखें और अवेयर हों. More interested in अगर मेरा बस चले तो मैं तो चाहूँगा कि इस फिल्म की टिकटें भी कम हो, क्योंकि आई एम मोर इंटरेस्टेड, टिकटें के वैल्यू भी कम हो, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन मोर आई बॉल्स. आई वांट पीपल टू वॉच इट, नॉट अबाउट द कलेक्शन. कलेक्शन कम्स लेटर ऑन. हाउ मेनी पीपल वॉच्ड इट, हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड इट? 54% पीपल डोंट हैव टॉयलेट्स डार्लिंग. सो वी इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पीपल टू वॉच इट रादर देन कि मैं बैठ के पैसे गिनूँ कि कितने पैसे आए हैं इस वक्त. Recently, National Indian Women Cricket Team के England के साथ हुए final match के दौरान ली गई इस picture के बाद अक्षय एक बड़ी controversy में फंस गए थे, और यहाँ अक्षय ने इस controversy पर खुद को किया justify. Actually, ma'am, सच बताया चले, आपने ये प्रश्न पूछा. Actually, मैं वो झंडा उस वक्त खोल रहा था, तो वो उल्टा उस वक्त था, तो खींच पीछे से किसी ने फोटो खींच ली, और मैंने भी रियलाइज नहीं किया, मैं उसको सीधा कर रहा था, और अगर आप देखोगे तो टीवी पे वो सीधा है, लेकिन उस वक्त पीछे से किसी ने खींच लिया. लेकिन फिर भी अगर किसी के सेंटिमेंट को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, जो मैं माफी मांग भी चुका हूं. ऑल इन ऑल ये पूरा इवेंट रहा काफी मजेदार. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. मीरा राजपूत अब बॉलीवुड की बाकी स्टार वाइफ्स की तरह इंडिविजुअली दिखाना चाहती है अपनी सेलिब्रिटी पार. पर प्रॉब्लम ये है कि शाहिद के बिना मीरा का सेलिब्रिटी स्टेटस पड़ जाता है फीका, और इसीलिए मीरा का ये एक सपना रह गया अधूरा. मीरा भी बी टाउन की स्टार वाइफ्स की तरह दिखाना चाहती हैं अपना जलवा. बॉलीवुड की स्टार वाइफ्स की तरह किसी लीडिंग मैगजीन के कवर पेज पर आने का मीरा कपूर का है सपना. स्टार वाइफ्स को मिलने वाली लाइमलाइट की बदौलत अब मैगजीन के कवर पेज तक पहुंचना चाहती हैं शाहिद की वाइफ मीरा राजपूत. अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, मीरा राजपूत काफी समय से ट्राई कर रही हैं कि उन्हें किसी मैगजीन के कवर पेज पर फीचर किया जाए, लेकिन अफसोस ऐसा अब तक नहीं हो पाया है. एक्चुअली जो भी मैगजीन मीरा को अपने कवर पेज पर लाने के लिए तैयार होती है उसकी एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन है शाहिद का साथ. कोई भी लीडिंग मैगजीन मीरा को शाहिद के बिना फीचर नहीं करना चाहती, बट मीरा अब शाहिद के साथ नहीं बल्कि अकेले ही कवर पेज को ग्रेस करने का सपना देख रही हैं। ऐसे में मीरा को अकेले कवर पेज पर लाने में कोई भी मैगजीन इंटरेस्टेड नहीं है. वेल, अब देखना ये होगा कि मीरा का ये सपना कब पूरा होता है और कब उन्हें शाहिद के बिना किसी मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिलती है. फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई. दीपिका पादुकोण अपने हॉलीवुड करियर को लेकर हो गई है परेशान. दीपिका को ट्रिपल एक्स के बाद अभी तक नहीं मिली कोई और हॉलीवुड फिल्म. ऐसे में अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट पाने के लिए दीपिका जल्द ही जाएंगी यूएस. दीपिका पादुकोण को नहीं मिल रही है हॉलीवुड में फिल्म्स. हॉलीवुड में फिल्म्स पाने के लिए दीपिका कर रही हैं काफी मेहनत.
Well, according to sources, Deepika Padukone अपनी last Hollywood release XXX के बाद फिर से किसी बड़ी Hollywood फिल्म को साइन करना चाहती हैं। लेकिन अफसोस कि लाख कोशिशों के बाद भी दीपिका को किसी Hollywood फिल्म के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। जबकि प्रियंका ने बेवॉच के बाद अपनी नेक्स्ट Hollywood फिल्म के लिए शूटिंग भी शुरू कर दी है। ऐसे में दीपिका हो गई हैं अपसेट, क्योंकि वो पीसी से काफी पीछे हो गई हैं। इसीलिए अब उन्होंने फैसला किया है कि अब वो बहुत जल्द रवाना होंगी यूएस के लिए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, दीपिका पादुकोण बहुत जल्द हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स से मिलने के लिए यूएस जाने वाली हैं, ताकि वो उन लोगों के साथ मीटिंग करके हॉलीवुड में अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट पा सकें। वेल, जहां तक बात बॉलीवुड की जाए तो दीपिका अपनी पद्मावती में बिजी हैं। लेकिन अब उनका इंटरेस्ट बॉलीवुड से ज्यादा हॉलीवुड में ही बढ़ गया है। अब देखना ये होगा कि कब दीपिका को मिलती है उनकी नेक्स्ट हॉलीवुड फिल्म। फॉर संदेश अगाथे, जूम मुंबई। आदित्य रॉय कपूर को बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद लग गया है जोर का झटका, वो भी बहुत जोर से। और अपने डूबते करियर को बचाने के लिए आदित्य ने मांगी है अपनी क्लोज बॉडी करण जौहर की हेल्प। फितूर फ्लॉप, ओके जानू फ्लॉप। बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद आदित्य रॉय कपूर ने मांगी करण जौहर की हेल्प अपने डूबते करियर को बचाने के लिए। आदित्य को चाहिए करण का सहारा। एक्चुअली बैक टू बैक फ्लॉप से आदित्य को लग गया है जोर का झटका, वो भी बहुत जोर से। लेकिन अब आदित्य चाहते हैं इस झटके से उबरना, इसीलिए उन्हें याद आई है अपने दोस्त करण जौहर की। खबर है कि आदित्य केजो से करियर एडवाइस ले रहे हैं और करण आदित्य को ये समझा रहे हैं कि उन्हें कौन सी फिल्म करनी चाहिए और किस तरह के रोल्स करने चाहिए। वैसे आपको बता दें कि जिन एक दो प्रोजेक्ट्स पर आदित्य फिलहाल काम कर रहे हैं उनकी हालत भी खस्ता है। ऐसे में अगर समय रहते आदित्य ने अपने करियर के सही डिसीजंस नहीं लिए तो उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। चलिए अब आदित्य अपने दोस्त करण की एडवाइस मानकर बॉलीवुड में कौन से झंडे गाड़ते हैं ये भी जल्दी पता चल जाएगा। फॉर संदेश अगाथे, जूम मुंबई। मुबारका रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के लीड एक्टर अपनी फिल्म को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्हें क्रिटिक्स की रेटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। Eventually, the audience is the honest truth. अर्जुन कपूर स्टार कॉमेडी ड्रामा मुबारका आज हो गई है रिलीज। अर्जुन का इस फिल्म में दिखेगा डबल रोल। चाचू अनिल के साथ पहली बार दिखेंगे अर्जुन कपूर। मुबारका में हॉट गर्ल्स इलियाना और आथिया के साथ अर्जुन कर रहे हैं रोमांस। अर्जुन अपनी फिल्म को लेकर है फुली एक्साइटेड, लेकिन अर्जुन को नहीं पड़ता है क्रिटिक्स के रिव्यू से कोई फर्क। देखिए, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। बी पॉजिटिव, अनिल चाचू ने एक बहुत अच्छा डायलॉग कहा था नो एंट्री में, तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ। जो लोग ओपिनियन देते हैं, अगर आप टिकट खरीदते हो पैसे देके, तो आपका ओपिनियन सर आँखों पे। मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, पर हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ कि इस बार कहीं ना कहीं और लोगों को पसंद होगी पिक्चर। कई बार नहीं आती, कई बार आती है, हम सीखते रहते हैं। देखिए, हम कलाकार हैं, हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना। जी हाँ, अर्जुन को नहीं डर है क्रिटिक्स का, ना ही किसी और बात का। उन्हें तो सिर्फ व्यूअर्स के रिस्पॉन्स से फर्क पड़ता है, जिसका वो वेट कर रहे हैं। प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अर्जुन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि व्यूअर्स को मुबारका में उनका कॉमिक अंदाज जरूर पसंद आएगा। वहीं उन्होंने परिणीति के साथ फिर से काम करने को लेकर भी हमसे शेयर की अपनी राय। बहुत एक्साइटमेंट, मैं अभी आपको मिलते रहूंगा तो मैं आपको धीरे धीरे जितनी एक्साइटमेंट टुकड़ों में, ऐसे टुकड़े टुकड़ों में बताते रहूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, अभी साल भर हम यही बात करेंगे।
वैसे अर्जुन ने क्रिटिक्स को करारा जवाब देते हुए ये समझा दिया है कि उनके रिव्यूज से ज्यादा उन्हें जनता के रिस्पॉन्स का फर्क पड़ता है। फजोती सिंह, जूम मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। क्या डायरेक्टर विकास बहल पर लगे मोलेस्टेशन चार्जेस से डरे ऋतिक? क्या कंगना रनौत के इशू के बाद ऋतिक अब और किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते? क्या ऋतिक ने विकास बहल की फिल्म को साइडलाइन कर क्रिश 4 को शुरू करने के लिए भर दी है हामी? जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्टर विकास बहल फेमस मैथमेटिशियन आनंद कुमार पर बायोपिक बना रहे हैं। खबरें थी कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन दिखाई देंगे एज मेन लीड, लेकिन अब खबर आ रही है कि विकास की ऋतिक स्टारर इस फिल्म में डिले हो गया है। बताया जा रहा है कि ऋतिक अपने फिल्म क्रिश 4 पर कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं और इसीलिए वो विकास की मूवी पर बाद में करेंगे फोकस। लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ऋतिक विकास बहल पर लगे मोलेस्टेशन केस की वजह से ले रहे हैं ये फैसला। जैसा कि आपको पता है कि विकास पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने उन्हें मोलेस्ट करने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद वो आ गए थे सुर्खियों में। और बताया जा रहा है कि ऋतिक इस कंट्रोवर्सी को पूरी तरह से ठंडा होने का कर रहे हैं वेट, इसीलिए उन्होंने विकास की फिल्म को साइड में रख क्रिश 4 पर फोकस करने का लिया है फैसला। वेल, इससे ये इशारा मिल रहा है कि ऋतिक अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. इस वीकेंड ऑन यार मेरा सुपरस्टार सीजन 2 शाहरुख अपने क्रेजीएस्ट और फनीएस्ट अवतार में नजर आएंगे। So don't forget to tune in to Zoom this Saturday 7 PM and Sunday 2 PM. और फिलहाल आपके लिए SRK की क्रेजी पंती की हम लाए हैं एक छोटी सी झलक। This one. ये इसकी सच्चाई मैं आज बताई देता हूँ, क्योंकि हमने इम्तियाज से प्रॉमिस किया था अनुष्का और मैंने कि हम ये इसकी सच्चाई कभी नहीं बताएंगे। हाँ। इम्तियाज जो हैं उन्होंने एक बार मॉडलिंग की टाइप की कोई असाइनमेंट की है कोई और मैगजीन कवर के लिए, और बड़े ही माचो स्टर्ड और कूल, थिंकिंग इन हिज हार्ट दैट ही इज जॉन अब्राहम व्हिच इज नॉट फ्रॉम एनी एंगल, और लेदर की जैकेट पहन के, कुछ बनियान पहन के, हार्ली डेविडसन के ऊपर अनुष्का एक दिन उनकी तस्वीर लेके आई थी कि ये है डायरेक्टर जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। हमें शर्म नहीं आती, हम सोच रहे थे कोई इंटेलेक्चुअल टाइप डायरेक्टर है। तो उस दिन हम उसको छेड़ते रहे, फिर मैं अपनी एक जैकेट लेकर आया घर से, या मैं उनके लिए प्रेजेंट लाया, उनको वो जैकेट पहनाई, मैंने मोटरसाइकिल मंगाई, ये इंडोर सेट है, हमें गाना कर रहे थे रोड़ा पहचान दे, और उसमें मैंने इनको बिठाया और मजाक उड़ाया और उनकी तस्वीर ली। दैट्स वाई ये वाली में हम फिर भी स्माइल कर रहे हैं। एक और तस्वीर है जिसमें हमने वो एक्सप्रेशन बनाया हुआ है जो इम्तियाज ने उस एड में उस फोटो शूट में कूल लीड बनाया हुआ। बट वो राइड करते हैं बाइक के ऐसे ही पोज किया है, साइकिल चलाते हैं इम्तियाज। बहुत शर्मिंदगी की बात है मेरे लिए, इतने बड़े डायरेक्टर हो गए, हम जब रात को म्यूजिक सेटिंग खत्म करते हैं 2-3 बजे, मैं गाड़ी उनके पीछे पीछे ले जाता हूँ घर में, वो साइकिल चलाते हैं एम्स्टरडम से लाए साइकिल। माय गॉड, वाओ। एक्ट्रेस कृति सैनन ने किसके साथ सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे? नेशनल फ्लैग कॉन्ट्रोवर्सी पर क्या है अक्षय कुमार का रिएक्शन? All this and more coming up in our next show, 30 mein 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom Turn On.